तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज आपके 35 वर्ड पर मिनट क्रैश कोर्स का डे 9 है या 9वां दिन है। सो इससे पहले की वीडियोस, यानी कि डे 1 से लेकर के डे 8 तक के वीडियोस, अगर आपने नहीं देखा है तो उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज डे 9 की बात करें तो आज मैं आपको 11 अक्षरों वाले शब्द जो है ना वो देने वाला हूँ, ठीक है। 11 लेटर्स वर्ड्स मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो इनकी PDF की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो टाइप करना शुरू करता हूँ। हाँ, टाइप कैसे करना है, कितनी बार करना है, कहाँ करना है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड है एक्रोमेटाइज, ACHROMATIZE, ठीक है, एक्रोमेटाइज। अगला शब्द है एमोक्सिसिलिन, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, फिर है इफेक्टिवली, बैक बेंचर, फिर है सिटीजनशिप, कम्युनलाइज, डॉक्सीसाइक्लिन। थोड़ी टफ स्पेलिंग्स हैं तो आपको ध्यान से टाइप करना होगा। अर्थक्वेक्स, एक्सप्रेसवेज, उसके बाद है फजीनेस, फिर है फॉर्मलाइजिंग, उसके बाद है हाइड्रोग्राफी, इमोबिलाइज्ड, उसके बाद है इनएक्सपेंसिव, जेलीफिशेस, किंग फिशर्स, लिक्विडाइजिंग, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद है नॉन ज्यूडिशियल, मेसमराइजिंग, माफ कीजिएगा, मेसमराइजिंग, सॉरी यहाँ पे एस होना चाहिए था, मेसमराइजिंग। उसके बाद है मर्चेंडाइज, फिर है ऑब्जेक्टिवली, ओवर एक्सपोज्ड, ठीक है। तो ये आपके सारे शब्द हो गए। अब इन्हें टाइप कैसे करना है, टाइप 3 लाइंस ऑफ ईच वर्ड विद फॉन्ट साइज 22। फॉन्ट साइज 22 सेट करके कहाँ पे, एमएस वर्ड में आप कर सकते हो या वर्ड पैड पर आप कर सकते हो, ठीक है। नोट पैड पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब ये हो जाए, हर शब्द की आप 3 लाइन टाइप कर लो, उसके बाद टाइप द अबव पैराग्राफ एट लीस्ट 30 टाइम्स। उसके बाद इन शब्दों को अलग अलग इंडिविजुअल शब्द ना मानते हुए, अलग अलग इनको शब्द ना मानते हुए, इसे एक पूरा कंबाइंड पैराग्राफ मान करके आपको इसको 30 बार करना है। कितने करना है, 30 बार करना है। आपने एक्रोमेटाइज टाइप किया, स्पेस दिया, एमोक्सिसिलिन टाइप किया, स्पेस दिया, करते करते आप चले आए, आपने ओवर एक्सपोज्ड तक आपने टाइप किया। इस तरह से आपका ये एक बार टाइप हो जाएगा, ऐसे ही आपको 30 बार करना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंस्ट्रक्शंस, 3 लाइंस ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। और उसके बाद इससे पैराग्राफ मानकर इसे 30 बार कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे अपने डे टेन में मैं आपको 12 अक्षरों वाले शब्द बताऊंगा, ठीक है। डे 10 में मैं आपको 12 अक्षरों वाले शब्द बताऊंगा। अच्छा, क्या होता है कि जो लंबे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग काफ़ी बड़ी होती है, 8-9 अक्षर, 10 अक्षर, 11 अक्षर, तो उनमें हमारी जो गलती होने का चांस है ना वो ज़्यादा रहता है। तो आपको स्लो टाइप करना है, बहुत ही केयरफुली आपको टाइप करना है, उसका हर एक लेटर जो है ना वो मन में रिपीट करना है। से आप टाइप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्रोमेटाइज, तो आपने बोला ए, ए टाइप किया, सी बोला, सी टाइप किया, एच बोला, एच टाइप किया, आर बोला, आर टाइप किया। तो इस तरह से आपको पूरा स्पेलिंग जो है ना वो टाइप करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है, इससे आपकी गलतियां जो है वो नहीं होंगी,
इस तरह से आपको टाइप करना है, हर एक लेटर जो है ना वो मन में बोलकर आपको टाइप करना है। ऊपर से नहीं बोलना है कि ए सी एच, ऐसा नहीं, मन में आपको बोलना है कि मैंने ए टाइप किया, सी एच आर ओ एम ए टी आई जेड ई, ऐसे आपको बोल बोल बोलकर टाइप करना है, अंदर मन में बोलना है, ऊपर नहीं बोलना है, ठीक है। सो इतना ही है, मिलेंगे डे 10 में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।